अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज आज का का जो जो मेरा हमारा टॉपिक टॉपिक है है वो है पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी दो अलग टर्म्स हैं। पॉलिटिक्स अलग है, इकोनॉमी अलग है। ये दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं, मिले हुए हैं। पीई को यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ डिनोट किया गया है। पीई इज द बेसिस फॉर द गवर्नमेंट इन डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट उसकी बेस पे, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बेस पे डिसीजंस बनाती है। इसके यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। यूज पॉलिटिकल पावर टू डील इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये क्या है? पहले इसके पोर्शन में है कि पॉलिटिकल पावर को आपस में दोनों का इंटरेक्शन को शो किया हुआ है। तो पॉलिटिकल पावर इकोनॉमिक रिसोर्सेज को किस तरह डील करती है, डिसाइड करती है कि किस किन चीज़ों पे रिसोर्सेज लगाने हैं, क्या चीज़ें, किन चीज़ों की जरूरत है, क्या चीज़ें बनानी है, किस तरह इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो सारी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल डिसीजंस जो होते हैं वो इकोनॉमी के लिए। उससे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इकोनॉमिक सिचुएशन आल्सो इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजंस। तो इकोनॉमिक्स भी की सिचुएशन भी पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि अगर इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी है तो पॉलिटिशियंस डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कितनी एक्सपोर्ट करनी है, या कि कौन सी चीज़ है जो इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो कितनी इंपोर्ट करनी है। कुछ भी चीज़ें जो इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, जो पॉलिटिकल डिसीजंस को इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, चेंज करती है। तो वो उसका सेकेंड पॉइंट आ गया। मतलब ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं आपस में। तो सबसे पहले पॉलिटिक्स की डेफिनेशन। पॉलिटिक्स क्या है? हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स डिसाइड करती है, सांसद डिसाइड करती है किसको कब क्या और कितना देना है, कैसे देना है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की आर्ट और साइंस जो होती है, कैन बी फॉर्मुलेट एज अरेंजमेंट टू सीक यूज ऑफ पावरिंग टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कि कितनी पावर देनी है इंडिविजुअल्स को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को अरेंजमेंट के लिए। उसने नेक्स्ट है इकोनॉमी साइड। पहले हमने पॉलिटिक्स की डेफिनेशन देखी। पॉलिटिक्स जो सियासत है वो डिसाइड करती है सारे डिसीजंस, क्या करना है, किसको देना है, कैसे देना है, सारे डिसीजंस हैं वो पॉलिटिक्स के हैं। इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आप लोगों ने रीड की थी। पहले प्योर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी कि आपने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है। तो यहाँ भी इकोनॉमी को भी देखें तो अनलिमिटेड वांट्स ही आ जाती हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लिमिटेड रिसोर्सेज वर्सेस अनलिमिटेड विल फोकस टू। के रिसोर्सेज कम हैं और फोकस करने के लिए एरियाज बहुत ज़्यादा हैं कि जिन पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये इकोनॉमी है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी मिलके बनते हैं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो किस तरह के कब किसको देना है ये डिसाइड करना है उसने किस चीज़ को देखे। अभी हमने पिछली हेडिंग में देखा पॉलिटिक्स ने क्या करना, पॉलिटिक्स के थ्रू क्या होता है कि पॉलिटिक्स जो है वो गवर्नमेंट की आर्ट और साइंस है। तो उसने डिसाइड करना है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, और उनके लिए उसने इकोनॉमी के रिसोर्सेज को यूज़ करना है, इकोनॉमी के लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करना है। और उसने देखना क्या है, उसके फोकस करने के लिए पॉइंट्स बहुत अनलिमिटेड हैं जिनको उसने पूरा करने की कोशिश करनी है। तो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो गए कि पॉलिटिक्स ने डिसाइड करना है कि क्या देना है, कब देना है, कैसे, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, और उनको यूज़ किस तरह करना है इकोनॉमिक्स के लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके इकोनॉमी के, और उसके अनलिमिटेड जो एरियाज हैं उन पर फोकस करना है। जैसे कि हेल्थ पे फोकस करना है, एजुकेशन पे फोकस करना है, रोड स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ पे उसने फोकस करना है। तो वो अनलिमिटेड फोकस करना है लिमिटेड रिसोर्सेज को देखे, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन भी यहाँ पे गिवन है। सॉरी, अब यहाँ पहले देखिए प्रोडक्शन सिस्टम एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन सिस्टम किस तरह चले, क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, एक्सचेंज को देखना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ऑप्टिमम एंड रैशनल। रैशनल का मतलब समझदारी के साथ, जहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ऑप्टिमम तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करना कि किन जगहों पर एलोकेट होना जरूरी है। एजुकेशन की फील्ड में लगाने चाहिए ज़्यादा बेहतर है, हॉस्पिटल की फील्ड में लगाना ज़्यादा बेहतर है, किन जगहों पे लगाना ज़्यादा बेहतर है। गैदर एंड डिवाइड वेल्थ, वेल्थ को कैसे इकट्ठा करना है और कैसे डिवाइड करना है, कितना पोर्शन जो है वो किस
किनको इनकम देनी है, टीचर्स को कितनी इनकम देनी है, डॉक्टर्स को कितनी इनकम देनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर आ जाती हैं। इकोनॉमिक पॉलिटिक्स डेफिनेशन, या आप इनकी कंबाइंड रफ से डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन आगे करेंगे हम। यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर टू डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जैसे कि हमने कहा कि पॉलिटिक्स के पास पावर है, तो वो कब किस कैसे क्या करना है, वो पॉलिटिक्स के पास सारी पावर है। गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसने स्कूल बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, जो भी, तो उसने इस पावर इस अपनी इस पावर के लिए जो रिसोर्सेज लेने हैं इकोनॉमिक्स से लेने हैं। इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग टू इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म, नेमली गवर्नमेंट यानी कि स्टेट और मार्केट। दो किस्म के मैकेनिज्म जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मार्केट यानी कि पूरी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी मार्केट मार्केट ही है, और गवर्नमेंट, ये दोनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे क्या कैन एग्जिस्ट इन डोमेस्टिक लेवल, तो यहाँ आपको पता है सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे पॉलिटिक्स जो है वो काम नहीं करती है पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करती है, जिसकी डिस्कशन आगे मौजूद होगी। कंक्लूजन ऑफ द डेफिनेशन, डेफिनेशन एग्जैक्ट इसकी क्या बनी, पॉलिटिकल इकोनॉमी इज फील्ड विच डिस्कसेस हाउ पॉलिटिकल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक पॉलिसी। कैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी है कि इतनी इंपोर्ट करनी है, इतनी एक्सपोर्ट करनी है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरह लेके जाना है, या कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। तो जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी वो उसको पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इकोनॉमिक अरेंजमेंट विच इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल डिसीजंस, और किस तरह की इकोनॉमिक अरेंजमेंट चल रही है जो पॉलिटिकल अफेयर्स को भी चेंज कर सके, यानी कि पॉलिटिक्स में भी पावर है, कोई इकोनॉमिक के डिसीजंस ले सके, इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सके, और इकोनॉमिक की कंडीशंस की भी पावर है कि वो पॉलिटिकल डिसीजंस को चेंज कर सकती है। जैसे कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है, पॉलिटिकल अथॉरिटीज ने डिसीजंस लिए थे किसी और चीज़ से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड डिसीजन ले चुकी थी, लेकिन अब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ज़्यादा बुरी हो गई है, तो अब पॉलिटिकल डिसीजंस जो हैं वो इकोनॉमिक सिचुएशन को देख के चेंज होंगे, यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो पॉलिटिकल डिसीजंस को चेंज कर सके। यहाँ पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज प्रोडक्शन ट्रेड एंड देयर रिलेशनशिप विद द लॉ एंड गवर्नमेंट। प्रोडक्शन ट्रेड, लेना देना जो भी सारा कुछ है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इकोनॉमिक थ्योरीज इफेक्ट डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक सिस्टम सच एज सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये चीज़ की थ्योरी है, इस चीज़ की स्टडी है कि कैसे जो है इकोनॉमिक थ्योरीज जो इफेक्ट कर रही हैं इन दोनों सिस्टम को। सोशलिज्म ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे सारी जो अथॉरिटीज होती हैं वो पब्लिक के पास होती हैं, सॉरी पीपल के पास होती हैं, पीपल को मैं यहाँ पे पब्लिक बोला है मैंने। सारी अथॉरिटीज जो हैं वो लोगों के पास होती हैं, लोग हर चीज़ को वहाँ पे पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट ही, जो गवर्नमेंट है एक्चुअली वो लोग ही हैं कि वो डिसीजन ले सकते हैं उन्हें कहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट करना है, कितने रिसोर्सेज लगाने हैं, क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, क्या उनको हर चीज़ पे उनके इख्तियार हैं, हर चीज़ पे इख्तियार होंगे तो वो सोशलिज्म होगा। और कम्युनिज्म ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पब्लिक अलग हो, पीपल अलग हो, यानी कि गवर्नमेंट वो पे एक नुमाइंदा अलग से मुंतखब कर लें और सारा वो नुमाइंदे ही हर चीज़ को कंट्रोल करें। सोशलिज्म ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हर कोई सेपरेटली अपने हर चीज़ को कंट्रोल करे। कम्युनिज्म ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पब्लिक अपने अंदर से एक अपने नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव चुन ले जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करे, हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस करे, उसी की अथॉरिटी हर चीज़ पे, तो वो कम्युनिज्म सिस्टम हो गया। अलॉन्ग विद द रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। उसने कहा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, दी स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी अप्रोच एनी ऑफ थ्री वेज, इसकी थ्री अप्रोचेज हैं इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कि पॉलिटिकल जो इकोनॉमी है वो किन किन वेज में सोचती है, ये किन किन चीज़ों को डिस्कस करती है, तो ये इसके अप्रोचेज हैं तीन, इनको आप थोड़ा सा टच करेंगे, एग्जैक्ट डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज न्यू पोलिटिकल इकोनॉमी और इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमी, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़ में ये है कि जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टैंड पॉइंट के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी है किस चीज़ पर फोकस करती है, यहाँ पे मेंशन है इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। इन सारी चीज़ों को, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स को कंबाइन करती है और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से
सारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है. हाउ इकोनॉमिक सिस्टम्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड द एनवायरनमेंट इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, कि देखना है कि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरेक्ट होकर कैसे इन्वायरमेंट को या हर चीज़ को इफेक्ट कर रही हैं, हर चीज़ भी होने के बाद क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं. ये सारी चीज़ें इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज में आ जाती हैं. ये सारी चीज़ें जो पोलिटिकल इकोनॉमी है ये इसके अप्रोच में आ जाता है. द थ्री एरियाज इन इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी इंक्लूड इकोनॉमिक मोड्स ऑफ पोलिटिकल प्रोसेस, इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमी एंड हाउ इट अफेक्ट्स इंटरनेशनल रिलेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन इन डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स. इसमें यह है कि इसमें थ्री एरियाज जिनको स्टडी किया जाता है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस को, पॉलिटिकल प्रोसेसेस किस तरह चल रहे होते हैं, किस तरह पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल पर्सनस हैं वो हर चीज़ को लेकर चलते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेकर चलते हैं और नेशनल को लेकर चलते हैं, और हर उनके आपस में रिलेशंस किस तरह के होते हैं. अभी हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी का डेफिनेशन तो पहले रीड किया, मतलब क्या देना है, किस तरह किस तरह यूज़ करना है, तो वही चीज़ें हैं कि उन्हीं प्रोसेसेस को सब देखना जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज में आता है जो पीछे हमने रीड किया है. न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी, न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी एरिया ट्रीट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज एज अ बिलीफ और एक्शन. पहले वाले जो थे वो फ्रेमवर्क के तौर पर काम कर चल रहे थे, नहीं कि हर पूरे फ्रेमवर्क को पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेना है, इकोनॉमिक्स को लेना है और सोशियोलॉजी को लेना है इंटर डिसिप्लिन के अंदर, और हर डिसिप्लिन को, हर डिसिप्लिन ये डिसिप्लिन होते हैं, सोशियोलॉजी डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन है, तो हर डिसिप्लिन को लेकर कंबाइनली सोच रहे हैं, उनका फ्रेमवर्क बना रहे थे पिछले इंटर डिसिप्लिन में, तीनों चीज़ों को कंबाइन करके उनका एक फ्रेमवर्क बना रहे थे कि हर चीज़ को कैसे लेके चलना है, यानी कि इकोनॉमिक्स को, सोशियोलॉजी को और पॉलिटिकल साइंस को कंबाइन करके एक फ्रेमवर्क बनाया था कि इन चीज़ों को कैसे लेके चलना है. कैसे सोशियोलॉजी मतलब सोशल के जो सोसाइटी के इश्यूज हैं, इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज लिमिटेड हैं हमारे पास और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो हमने कैसे सोसाइटी के वेलफेयर को देखना है और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज उनको पूरा करने की कोशिश करनी है. और एंड पॉलिटिकल साइंस, देखिए सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सेकेंड है सोशियोलॉजी. तो सोशियोलॉजी बता रही है कि सोसाइटी के वांट्स क्या हैं, इकोनॉमिक्स बता रही है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उनको कैसे यूज़ करना है, और पॉलिटिकल इकोनॉमिक साइंस बता रही है कि कहाँ करना है. तो ये पूरा फ्रेमवर्क कंबाइन होकर चल रहा है इंटरडिसिप्लिनरी में. तो न्यू पॉलिटिकल में ये है कि वो बाकी फ्रेमवर्क से हट के ये चीज़ डिस्कशन पे आ जाती है कि इस डिस्कशन पे आ जाती है कि एक्शन लेना है, यानी कि हम डिस्कस फ्रेमवर्क को छोड़ के हम एक्शन की तरफ आएँ और उन चीज़ों को लेकर काम करें. ये सेकेंड जो ग्रे पोर्शन है ये देखिए, ये वाली हेडिंग, द अप्रोच डिसमिसेस ओल्ड आइडियाज अबाउट एजेंसीज एंड द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स. ये जो अप्रोच है न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये रिजेक्ट कर देती है ओल्ड आइडियाज को और इन स्टेट के इंटरेस्ट को, यानी कि स्टेट डिसाइड नहीं करेगी कि उसको क्या इंटरेस्ट है, कि रोड बनाने चाहिए कि नहीं, एजुकेशन कितनी इम्प्रूव करनी है. ये स्टेट के इंटरेस्ट को छोड़ के, ओल्ड आइडियाज़ को छोड़ के, आइडियल है तो उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो इस तरह सारी पिछली आइडियोलॉजी को छोड़ के, स्टेट के इंटरेस्ट को छोड़ के इस चीज़ को एम बनाना. यहाँ पे देखें एंड एम, यहाँ पे इस पॉइंट से देखें एंड एम टू इनकरेज पॉलिटिकल डिबेट्स अबाउट सोसाइटल वांट्स एंड नीड्स. पिछली प्रीवियस आइडियोलॉजीज को छोड़ के, इस स्टेट के इंटरेस्ट को छोड़ के इस चीज़ पे फोकस करना कि सोसाइटी क्या चाहती है, स्ट्रेटजी को क्या ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए एक्शन लेना. पहले वाले में फ्रेमवर्क था, न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी की अप्रोच ये है कि उसमें फ्रेमवर्क भी हो लेकिन एक्शन हो कि चीज़ों पर काम किया जाए, बजाय इसके कि स्टेट के इंटरेस्ट देखे जाएँ कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, बल्कि सोसाइटी की वांट्स देखी जाएँ, उनकी ज़रूरियात देखी जाएँ, उनको पूरा करने की कोशिश की जाए. इट यूनाइट्स, यहाँ पे देखें सेकंड जो उसकी पॉइंट लिखा हुआ है, इट यूनाइट्स द आइडियोलॉजीज ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड न्यू एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स. ये जो प्रीवियस क्लासिकल इकोनॉमिक्स की आइडियोलॉजीज हैं उनको भी कंबाइन करिए, यानी कि फ्रेमवर्क पहले बना क्या होना चाहिए, काम करने का फ्रेमवर्क, जैसे कि इंटरडिसिप्लिन में था फ्रेमवर्क, तो ये फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए एंड न्यू एडवांसेस. यहाँ पे इस पॉइंट से देखें न्यू एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, और नए एडवांसेस क्या लेके आने चाहिए, उनको एक्शन किस तरह इम्प्लीमेंट किस तरह करना है हर चीज़ को, तो ये न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी में आ गया. उससे नेक्स्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी. इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी स्टडी आल्सो नोन एज ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि इसमें आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को देखते हैं कि इकोनॉमी के इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स क्या हैं और चीज़ें किस तरह चल रही हैं, तो ये आपने देखना है यहाँ पर इसके अंदर.
इट यूजेज आइडियाज फ्रॉम इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, इन चीजों से आइडियाज लेगा। जैसे पहला सबसे इंटरडिसिप्लिनरी था, ये तीनों सब्जेक्ट से आइडियाज लेने हैं और फिर क्या आपका फोकस किस चीज़ पे करना है। सेकेंड में था एक्शन लेना, अब ये थर्ड में है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी फोकसिंग ऑन हाउ स्टेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस यूज ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेक्शंस टू शेप पॉलिटिकल सिस्टम्स। अच्छा, अब इसके तीन अप्रोचेस हमने रीड की। पहली अप्रोच थी इंटरडिसिप्लिनरी, उसमें ये था कि फ्रेमवर्क बनाए कि उनकी चीज़ों को कंबाइन लेके चलना है। सेकंड में था कि क्या क्या एक्शंस लेने हैं, उनकी बेस क्या होनी चाहिए, जो सोसाइटी की वांट्स और नीड्स होनी चाहिए। और थर्ड में ये है कि इंटरनेशनल इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके देखना है कि जो पॉलिटिक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, पूरा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये अब दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो इन पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो इनकी शेप पे क्या फ़र्क आता है, यानी कि ये कितना इम्प्रूव होते हैं, दूसरी पोलिटिकल कंडीशन को लेकर किस तरह इम्प्रूव होते हैं या क्या उन पर इफेक्ट्स होते हैं, दूसरी इकोनॉमीज को लेकर किस तरह इम्पैक्ट होते हैं। तो हर चीज़ जो दूसरे कंट्रीज को देख के हम जो कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, ये चीज़ है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। यानी कि लेट्स सपोज हम अपने कंट्री की बात करते हैं पाकिस्तान, तो अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो दूसरी पॉलिटिकल इकोनॉमीज को देख के, दूसरी इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज को देख के, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को देख के, उनकी पॉलिटिक्स को, उनकी इकोनॉमिक्स को, उनकी सोशल वांट्स को देख के, उनको देख के उन पर क्या चेंजेस आए, वो कितना इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में आ जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन भी लग गया दी हुई है, इंटरनेशनल इकोनॉमी वेयर इंटरनेशनल एंड सॉरी सॉवरेन स्टेट्स इंटरेक्ट। सॉवरेन स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जो के रूल में होती हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटिश, इनका ये काफ़ी इनका रूल रहा है, तो इस तरह जिनकी अथॉरिटी ज़्यादा हो वो ऐसी इकोनॉमीज होती हैं और आपस में इंटरेक्ट करें तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमी होगी। नेशनल इकोनॉमी जहाँ पे डोमेस्टिकली अपने कंट्री के अंदर ही सारे पॉलिसी मेकर्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन जो हैं इंटरेक्ट करें। जब इंटरनेशनल लेवल पे करें तो वो इंटरनेशनल इकोनॉमी, जब नेशनल लेवल पे अपने ही मार्केट्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन इंटरेक्ट करें तो वो नेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में आ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इकोनॉमी बिहेवियर, इकोनॉमी का बिहेवियर किस तरह चलता है। पोलिटिकल इकोनॉमीज आर वेरी इंटरेस्टेड इन गेंस एंड लॉसेज। जो अभी प्रीवियस हमने इससे जितना भी किया है वो आप सिर्फ एक नज़र देख लीजिएगा, वो सिर्फ आपके समझने की बात है कि जो टॉपिक है पोलिटिकल इकोनॉमीज के अप्रोचेज क्या क्या हैं। तो जितना मैंने यहाँ पर गिवन दिया हुआ है इतना ही काफ़ी है, आपको उसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पोलिटिकल इकोनॉमी बिहेवियर, पोलिटिकल इकोनॉमीज आर वेरी इंटरेस्टेड इन गेंस एंड लॉसेज विद इनकर्ड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टन पॉलिसीज। जो बिहेवियर पोलिटिकल इकोनॉमिस्ट का वो किस तरह होता है कि वो जब भी कोई पॉलिसी जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके गेंस और लॉसेज में इंटरेस्टेड होते हैं कि इस पर कितना गेन हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, इन चीज़ों को माइंड रखते हैं। ये बिहेवियर होता है पोलिटिकल इकोनॉमी का। इट गिव्स दैम एन आइडिया एज टू विच ग्रुप सपोर्ट द पॉलिसी एंड विच ग्रुप्स डोंट। तो ये जो ये चीज़ें हैं ये उसको सपोर्ट देती हैं कि कौन लोग जो हैं इस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोगों से बेनिफिट हो रहा है, कौन से कितने लोग हैं जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्हें बेनिफिट नहीं हो रहा। दे आल्सो एग्जामिन हाउ इंडिविजुअल्स इंक्रीज देयर यूटिलिटी बाय प्रैक्टिसिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। लोग जिस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटी में किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं पॉलिटिकल पावर्स पे, जो पॉलिटिकल पावर्स होती हैं उन पे ट्रस्ट करते हैं, उनको वोटिंग देते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं अपने लिए और सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी बिहेवियर के अंदर। तो ये चीज़ें अगर कोई ट्रस्ट करके किसी पर्सन को वोट दे रहा है तो फिर ये होता है कि उसका बिहेवियर जो है वो शो करता है कि जो लोग हैं उनके कितने लॉस हैं, कितने उनको बेनिफिट देना है, कितना किन चीज़ों से उन्हें लॉस हो रहा है, तो उन चीज़ों से प्रिवेंशन तैयार करनी है। कैपिटल एंड लेबर आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड जनरेट पॉलिसी आउटकम्स। कैपिटल और लेबर यूज़ की जाती हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस को और आउटकम्स को जनरेट करने के लिए। कैसे? पैसा लगाया जाएगा कैश की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, कैपिटल जो है मशीनरी, पैसा, किसी भी फॉर्म में वो चीज़ें लगाई जाएंगी, या फिर मजदूरों को लगा के हर जो भी बेनिफिट है उसको हासिल करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे लेबर सिर्फ काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले, सड़कों पर काम करने वाले मजदूर नहीं है, लेबर यहाँ पे वो भी हो सकते हैं जिनको जो गवर्नमेंट है, पब्लिक है, जो लोग हैं वो नुमाइंदे के तौर पर अपने चुन लें और उन्हें पब्लिक का नाम दे दें।
वो भी लेबर में आ जाता है। दी पोलिटिकल बिहेवियर इन एन इकोनॉमी इज शेप बाई पोलिटिकल बिहेवियर, जो इकोनॉमी का वो किन चीज़ों से शेप होता है, इंटरेस्ट से होता है। पोलिटिकल बिहेवियर जो इकोनॉमी का शेप होता है वो किन चीज़ों का, इंटरेस्ट के साथ होता है, इंटरेस्ट आइडियाज के साथ होता है, इंस्टीट्यूशन के साथ होता है। इंटरेस्ट कौन से इंटरेस्ट हैं, यानी कि एक सिंगल पर्सन का क्या इंटरेस्ट है, जो ग्रुप्स हैं उनके क्या इंटरेस्ट हैं, जो गवर्नमेंट है उनके क्या इंटरेस्ट हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं और जो लोग जिनको बेनिफिट मिल रहा है उनके उनके इंटरेस्ट को देख के गवर्नमेंट जो है उनका उसका पॉलिटिकल इकोनॉमी का बिहेवियर जो है वो बनता है। यानी कि अगर इंटरेस्ट एजुकेशन की तरफ ज़्यादा है तो उसका बिहेवियर जो होगा पॉलिटिकल इकोनॉमी का एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो इस तरह जो भी चीज़ें हैं इंटरेस्ट को देख के डिवेलप होती हैं। इंडिविजुअल्स इन गवर्नमेंट टेंड टू प्रमोट देयर ओन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट दैट विल हेल्प देम रिटेन पावर। तो वो अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अब जैसे एक पावर में एक पर्सन आता है या आने वाला होता है तो वो आप लोगों से वादा करता है कि वो आप लोगों के लिए ये फैसिलिटीज लेके आएगा एक एरिया में, जैसे कि वो आपसे प्रॉमिस कर ले कि वो आपके लिए रोड्स बनाएगा, आप लोगों के लिए इस एरिया में हॉस्पिटल बना देगा। तो इस तरह ये है कि वो अपने इंटरेस्ट को शो करता है जिसको देख के लोग उसकी तरफ कंसर्न हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट जो है ये बहुत मैटर करता है पॉलिटिकल इकोनॉमी के बिहेवियर के लिए। उसमें आइडियाज़ हैं, एक पर्सन ने आइडियाज़ लेके जाता है, मेरे पास इतने आइडियाज़ हैं, मैं इन चीज़ों को अप्लाई करके इतनी डेवलपमेंट लेके आ सकता हूँ, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, जितनी भी आइडियाज़ हैं आइडियालॉजीज़ हैं ये सारी डिसाइड करती हैं वट दे शुड डू इन ऑर्डर टू रिमेन कॉन्सिस्टेंट विद देयर बेसिक वैल्यूज एंड बिलीव्स। कि जितना जितने आइडियाज़ हैं वो एक इंसान को इस चीज़ के लिए अपने काम करने के लिए स्ट्रेंथ देते हैं, उसको बिलीफ देते हैं कि वो अपने जितने उसने जितना उसके आइडिया है उसको प्रमोट करें, उनको अप्लाई करें और लोगों के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करें। यहाँ पर सबसे लास्ट लाइन देखिए, सम पीपल वांट टू इंटर पॉलिटिक्स, सबसे लास्ट लाइन सम पीपल वांट टू इंटर पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हो रही है। सम पीपल वांट टू इंटर पॉलिटिक्स सिंपली बिकॉज दे वांट टू मेक चेंज इन द वर्ल्ड। अभी मैंने बात की आइडियाज़ को लेके आते हैं और फिर उससे एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का बिहेवियर जो है उस पर इम्पैक्ट होता है। तो पीपल इसलिए आते हैं पॉलिटिक्स के अंदर कि वो वर्ल्ड में चेंज लेके आ सकें, यानी कि उनके आइडियाज़ उनकी आइडियोलॉजी इस किस्म की होती है। इंस्टीट्यूशन देयर आर पॉलिटिकल रूल्स डेट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफाइन हाउ लीडर्स आर चूजन एंड हाउ अ न्यू पॉलिसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड। यानी कि पॉलिटिकल रूल्स होते हैं के कैसे जो है लीडर्स को चूज करना है और कैसे नई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें उसके पॉलिटिकल इकॉनमी के बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रही होती है। यानी कि पॉलिटिकल इकॉनमी का बिहेवियर क्या है कि वो किस डायरेक्शन में काम कर रही है, क्या काम करना चाह रही है, फिर क्या इरादे हैं, तो किस तरह लिमिटेड रिसोर्सेज को काम को यूज़ करके अनलिमिटेड चीज़ों पर फोकस कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो उसके बिहेवियर में शामिल हो जाती हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के, किन चीज़ों पर वो काम करें, किस तरह काम करें, तो सारी चीज़ों पर कौन चीज़ें इम्पैक्ट, कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। अगर इंटरेस्ट किसी चीज़ों का की तरफ हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें उन पर काम अच्छा शुरू हो जाता है। आइडियाज़ अगर नहीं आ जाएँ तो काम अच्छा शुरू हो जाता है। इंस्टीट्यूशन हैं जो इसमें यह है कि अगर जो लीडर्स हैं उनको चूज़ किया जाए, किस तरह ये अंदाज़ा हो किस तरह चूज़ करना है और कौन सी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है, तो उससे भी जो पॉलिटिकल इकॉनमी है उसके बिहेवियर पर इम्पैक्ट होगा। उसमें नेक्स्ट है पॉलिटिकल इकॉनमी थ्योरी। द मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरीज आर स्प्लिट इनटू थ्री आइडियोलॉजीज, नेमली लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये बिल्कुल छोटे छोटे दो तीन पॉइंट्स हैं। लिबरलिज्म में ये है, लिबरल आइडियोलॉजी स्टेम्स फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ लेबर एंड एक्सचेंज एंड द यूज ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल टू प्रोड्यूस ड्यूरेबल गुड्स। ऐसी चीज़ों को ऐसा आइडिया कि जिसमें लेबर, लैंड और कैपिटल उनको आज़ादी हो कि वो आपस में कंबाइन हो, इन चीज़ों को यूज़ करके प्रोडक्शन की जाए, ड्यूरेबल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। इससे क्या होगा, इकोनॉमी जो है, जो लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं, जो पहली थ्योरी थी लिबरलिज्म की है पहली थ्योरी, लिबरल इकोनॉमिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि अगर लैंड, लेबर और कैपिटल को हम आज़ादी दे दें कि वो प्रोड्यूस कर सके खुद, उससे ये होगा कि हर किसी को बेनिफिट होगा, सारी सोसाइटी में भी इंप्रूवमेंट आएगी, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से लैंड, लेबर और कैपिटल को कंबाइन करके
प्रोडक्शन करेंगे और सोसाइटी में वेलबींग लेके आने की कोशिश करेंगे। वो हर हर पर्सन अपने ही हद तक प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। जैसे अगर हर पर्सन है वो ज़्यादा अर्निंग चाहता है, आप हैं या कोई आपके साथ का कोई दूसरा फ्रेंड है आपका, तो वो ज़्यादा हर कोई पर्सन अगर अपनी जगह पर देखा जाए तो वो ज़्यादा अर्निंग करना चाहता है, यानी कि वो ज़्यादा आउटपुट चाहता है। तो वो उसके लिए क्या करेगा, ज़्यादा बिजनेस करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा लैंड लेबर कैपिटल को कंबाइन करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे काम करेगा जिससे सोसाइटी में इंप्रूवमेंट आए, हर पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाए। क्योंकि हर पर्सन पर्सनली तो यही चाहेगा कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाए और उसकी चीज़ के लिए वर्क करेगा। तो लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए कि लैंड लेबर और कैपिटल वो आपस में कंबाइन हो, काम करें, प्रोडक्शन करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करें। तो ये लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग था, दे थिंक दैट वांट्स ऑफ द कम्युनिटी रेदर देन ऑफ इंडिविजुअल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। उनके अकॉर्डिंग जो कम्युनिटी के वांट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। कम्युनिटी जानती है कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए, उन्हें कपड़ा चाहिए तो कपड़े बनाए, कपड़े बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ आप हमेशा वो कारोबार करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो, यानी कि अगर कपड़ा की डिमांड होगी तो लोग कपड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो कम्युनिटी की जो वांट्स हैं वो इस तरह पूरी हो जाएंगी कि लोग वो चीज़ें प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों की प्रोडक्शन करेंगे जिनकी सोसाइटी को ज़रूरत है, या जिन चीज़ों से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ज़्यादा बेनिफिट किस जरूरत में मिलेगा, उसकी भी यही जरूरत है कि अगर वो चीज़ ज़्यादा चाहिए होगी तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, डिमांड ज़्यादा होगी। तो इस तरह हर सोसाइटी का जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने वांट्स को देख के डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। दे आल्सो बिलीव इन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन एंड आर कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सोसाइटी। वो कहते हैं कि इस तरह लिबरलिज्म कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस तरह क्या होगा कि हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिसको चाहे वो जो चाहे काम करना चाहे कर सकता है। मार्क्सिज्म में ये है कि मार्क्सिज्म स्टेट्स दैट इनक्वालिटी इज़ बैड, उन्होंने कहा कि इनक्वालिटी बैड है। जैसे कि अब गरीब है कोई, वो ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकेगा, अमीर है वो ज़्यादा बिजनेस कर सकेगा, ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग लिबरलिज्म नहीं सही, इससे इनक्वालिटी जनरेट होती है। इट डज नॉट सपोर्ट द प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। मार्क्सिज्म है जो सपोर्ट नहीं करता है कि प्राइवेट तौर पर ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज की हर कोई अपने तौर पर प्रोड्यूस करे, क्योंकि इससे इनक्वालिटी जो है वो जनरेट होती है and only favors the needs of elite and not the whole society। ये पूरी सोसाइटी को की फेवर में नहीं होता, ये सिर्फ एलिट क्लास के फेवर में होता है। ये मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग है। इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, दिस इज द बिलीफ दैट द स्टेट पोजेस ऑल द पावर एंड दैट इंडिविजुअल्स शुड वर्क टू मेक यूज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग ये है कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो खुद काम करें, ऑल दी पावर उसके पास सारी पावर हो, एंड दैट इंडिविजुअल्स शुड वर्क टू मेक यूज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए काम करें लेकिन गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो सारा कुछ। दी आइडियोलॉजी स्टेट्स दैट गवर्नमेंट शुड कंट्रोल ऑल रिसोर्सेज एंड दैट इंडिविजुअल्स आर इग्नोरेंट एंड कैन नॉट क्रिएट अ कोहेसिव सोसाइटी विदाउट अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो लिबरलिज्म ने कहा था कि हर पर्सन को आज़ादी होनी चाहिए, तो नेशनलिज्म ने यह कहा कि हर पर्सन को आज़ादी नहीं दी जा सकती क्योंकि बहुत लोग इग्नोरेंट हैं, वो जाहिल हैं, वो सोसाइटी को अच्छे तरीके से लेकर नहीं चल सकते। तो उनके लिए प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो इन चीज़ों को लेकर चले। तो इसलिए हर चीज़ गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। बस आज का टॉपिक इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।